मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि मुंब्रा शहर का इकलौता हॉस्पिटल काल शेखर हॉस्पिटल था, जहां पूरे मुंब्रा शहर के लोग यहां पर इलाज कराने के लिए आते थे। लेकिन इस हॉस्पिटल में हड़कंप उस वक्त मच गया जब इस हॉस्पिटल में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया। आपको दिखा दें कि इस हॉस्पिटल को जो है ठाणे महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं इसे सील कर रहे हैं, और इस हॉस्पिटल में जो मरीज थे उन्हें इस हॉस्पिटल से दूसरे जगह शिफ्ट किया गया। हालांकि आपको तस्वीरें अंदर की दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से इस हॉस्पिटल में जो है हज़ारों की तादाद में यहां पर लोग आते थे, लेकिन आज इस हॉस्पिटल की आप तस्वीरें देखेंगे तो इस हॉस्पिटल में सन्नाटा फैला हुआ है, सभी को बाहर निकाल दिया गया। हालांकि कुछ लोग ऐसे थे जो हॉस्पिटल से निकलना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती जो है TMC के कर्मचारी जो है उन्हें यहाँ से निकाल कर जो है दूसरे हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट किया गया है। और काल शेखर हॉस्पिटल को जो है फिलहाल जो है TMC के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर सील कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया था, उसके बाद से काल शेखर अस्पताल जो है सुर्खियों में था कि काल शेखर अस्पताल में जो है एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया, जिसके बाद यहाँ के सभी जो डॉक्टर स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर हो या नर्स हो, उन सभी को TMC के कर्मचारी जो है अपने साथ लेकर गए। उनकी जाँच की जा रही है और जाँच के बाद ही पता चलेगा के बाद ही इस अस्पताल को खोलने का निर्देश दिया जाएगा। लेकिन कब ये अस्पताल अब खुलेगा ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि फिलहाल जिस तरह से कोरोना संक्रमण की तादाद मुंब्रा शहर में एक के बाद एक बढ़ती जा रही है, और अब कोरोना संक्रमण की वजह से जो है मुंब्रा का चर्चित काल शेखर अस्पताल भी अब ठाणे महानगर पालिका के अधिकारी ने जो है सील कर दिया है। एक बात और आपको बता दें कि जो मुंब्रा शहर में जो कोरोना पॉजिटिव जो पहला व्यक्ति पाया गया था, कहीं ना कहीं लोग कहना है कि उसका भी इलाज यहीं पर काल शेखर अस्पताल में करने के लिए लाया गया था, लेकिन ये बात जो है कहीं ना कहीं दब गई थी, लेकिन उस वक्त चर्चा में नहीं आई। लेकिन अब जब दूसरा व्यक्ति इस काल शेखर अस्पताल में जो है पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद से जो है ये पूरे शहर में एक चर्चा का विषय बन गया, जिसके बाद शासन प्रशासन इस अस्पताल पर जो है अपना जो इस अस्पताल को जो है सील कर दिया गया है। फिलहाल ये मुंब्रा शहर का काल शेखर अस्पताल था, और अब TMC के जो सभी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और फिलहाल इस काल शेखर अस्पताल को जो है अब सील कर दिया गया है। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।